वधेरे जानकारी लिए संपर्क करो गौरव गर्ग शेरपुर, मोबाइल 94170-36301 अते 98141-36301 94170-36301 अते 98141-36301। उदासीन आश्रम डेरा जसी पौ वाली जिला बठिंडा विखे श्रीमान 108 संत बाबा बहाल दास जी महाराज दी 79वीं सालाना बरसी बहुत ही श्रद्धा नाल मनाई गई। मौजूदा गद्दी नशीन महंत विवेकानंद जी देखरेख हेठ समूह संगत दे सहयोग नाल करवाए गए इन्हां समागमां मौके दूरों दूरों वड्डी गिनती विच संगतां पुज्जियां अते अस्थान ते नतमस्तक हो के अपना जीवन सफला कीता। जिसके सिर ऊपर तू स्वामी सो दुख कैसा पावे, सो दुख कैसा पावे। जिसके सिर ऊपर तू स्वामी सो दुख कैसा पावे, सो दुख कैसा के सिर ऊपर तू स्वामी सो दुख कैसा पावे, सो दुख कैसा पावे। इस मौके अरबे श्री खंड पाठां दी लड़ी दे भोग पाए गए वख-वख महापुरश महंत शांतानंद जी बीरोके महंत डॉक्टर चंद्रमुनी जी शेरों बालिया ने कथा विचारा राही संगतां नूं निहाल कीता। संत हमेशा पर उपकार दा काम करदे आ, जिन्हां नूं ओह जाणदे भी नहीं, जिन्हां नाल कोई रिश्ता भी नहीं हुंदा, किसी प्रकार का कोई लगा नहीं हुंदा, उन्हां दी भी मदद करने। सज्जनों जो तुहाडे सिद्ध महापुरश बाबा बहाल दास जी सन, ओह इक परोपकारी संत सन। उन्हां ने इस जगह जदों वेखिया कि बड़ी जो संगत आउंदी है इधर जांदे आ काम धंधे बड़ी तकलीफ हुंदी नूं, तो उन्होंने इत्थे पाओ लाया पानी वास्ते, क्योंकि दूर दूर तक ये आपां जाणदे आ कि हुण तां थोड़ी जी पानी दी समस्या घट गई है। उस मौके पीण वाला पानी कई कई कोह तक नहीं प्राप्त हुंदा सीगा, ते बाबा बहाल दास जी ने आप वो इत्थे पानी कढ़दे घड़ियां 'च पा के रखदे ते आप ही संगत नूं वरतौंदे। सारा दिन इत्थे बैठे रहिंदे, कि छप्पड़ी पा ली, दरख्त सी उहदे थल्ले बैठे रहिंदे, जे उह वी जांदा जो भी उस मौके आउंदा ते उहनूं पाणी पिउंदे, जिहड़ा कुछ भी उहनां कोले उस मौके हुंदा, जे फुलका प्रसाद उहनां दा फुलका छकाउंदे, पुराने जमाने गुड़ जां छोले दाणे रखदे हुंदे सी, उह वी संत जिहो जिहा कुछ उहनां नूं प्रसाद दे रूप हुंदा जो आ जांदा, जो भी उहनां कोल हुंदा उह दिंदे सीगे हमेशा इत्थे बैठ के। इसे करके इहदा नां जस्सी पौ, तुहाडे नगर दे दा नां जिहड़ा पिआ उह बाबा बहाल दास दी कृपा दे करके जस्सी पौ वाली पिआ। ਅਤੇ ਸੱਜਣੋ ਅਜਿਹੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਕੱਲਾ ਜੱਸੀ ਪਾਉ ਨਹੀਂ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ ਦੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਜਾਈਏ ਆਪਾਂ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦਿੱਕਤ ਸੀ ਨਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਬਰਸਾਤ ਦਾ ਪਾਣੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਲੰਘਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਕੋਈ ਬੜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਨਾਲੀ ਦੇ ਪੁਲ 'ਤੇ ਲੱਕੜ ਦਾ ਪੁਲ ਆਪ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਉੱਥੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਰਪਣ ਹੋ ਕੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ
सारा जीवन ला जांदे। अजिहे महापुरशां की याद दे विच तुसीं पहुंचे हो ते उन्हां दी याद दे विच बड़े भागा वाले लोग हो तुसीं, क्योंकि जिहड़ी धरती दे उपर अजिहे महापुरश रहिंदे आ उह धरती भागा वाली हुंदी आ, करम वाले उह संगत हुंदी आ जिन्हां नूं अजिहे महापुरशां दा आशीर्वाद प्राप्त हुंदा। अज 92 श्री अखंड पाठां दी आपां लड़ी जिहड़ी संपूर्ण कीती आ, 92 अखंड पाठ हो गए। ये छोटी गल नहीं सजनो, इन्ना जप इन्ना भजन बंदगी करवाउणा, इह क्योंकि कहिंदे 68 तीर्थ दा साध भगत तेरे तहा वैकुंठ जहां नाम उचरे, जिथे संतां दे चरण पए होण उस स्थान नूं उस जगह नूं ठाड़ दीर्तां दा फल प्राप्त हुंदा। जेकर सच्चे मन दे नाल कोई इंसान उत्थे जाके अपने चरण अपनी जो शीस निभाउंदा अपनी श्रद्धा व्यक्त करदा, उह स्थान है। ये वास्तव दे विच सिद्ध पीठ दे रूप दे विच है, तप स्थान है सिद्धां दा कीता होया, जिथे बड़े बड़े वड्डे महापुरशां ने तप करके भजन बंदगी द्वारा संगतां नूं परमात्मा दे लड़ लाया। ये स्थान धन धन साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज उन्हां दे वड्डे सपुत्तर धन धन बाबा श्री चंद्र जी महाराज, जो कि सनक सनंदन सनातन संत कुमार तो परंपरा उदासीन संप्रदाय चली आ रही है, उस संप्रदाय दे नाल ये स्थान संबंध रखता है। अज आप महापुरशां की पवित्र याद दे विच एकत्र होए हैं, इस तप स्थान ते आप नतमस्तक होए हैं, जिथे कि कई दिनों तो लैके अन्न जग और तप जग और जप जग चल रहा सी। बड़ी बड़ी महत्ता है इन्हां तिन्नां दी। इस समय बहुत आपां घरां दे विच एक अखंड पाठ करवाउणा होवे, कई दिन आपां नूं पहलां सोच लगी रहिंदी है और उस तों बाद कई दिन थकेवा नहीं उतरदा। असीं धन्नवाद दिंदे हां साढ़े महापुरश स्वामी विवेकानंद जी महाराज जी नूं, जिन्हां ने आप सब संगतां दे सहयोग दे नाल कई दिनों तो लै के जो जप जग अनुष्ठान शुरू करवाया सी, जिस दी अज समाप्ति हो रही है। वड्डे भागां वाले जो सानू पिछले जन्मां दे वड्डे भाग पुन कीते, इस मात लोक दे विच वड्डे भाग सतगुरुआं ने दे के भेजे हन। धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज के पवित्र पावन गोद विच संत श्रीमान 108 बाबा बहालदास जी महाराज, जिन्हां नूं परमेश्वर ने ताकत बख्शी, उस ताकत दे शक्ति द्वारा ये संगतां दे आसरे बनाने से। धन बाबा बहालदास जी महाराज जिन्हां ने बड़े पर उपकार किए, ये दुनिया दे विच जो सरदूलगढ़ नाली ते डेरा उत्थे अंग्रेजां दे राज तो चलिया आ रहा पुल नहीं बन सकिया सी, उन्हां तो कम नहीं होया, वो पुल फटियां दा बाबा बहालदास जी महाराज ने कीता। वो कीता किस दी शक्ति नाल होया, गे आन अंजन गुर दिया अग्ञान अंधेर विनाश, हर कृपा ते संत भेटिया नानक मन परगास। सतगुरु जी संतों पदवी परमेश्वर दिंदा है, वो पदवी पावर काम करती है। समृद्धि का मंत्र घर में है और इतना आसान मंत्र है कि फिर किसी चीज़ की धन धान्य की पुत्र पौत्र की कोई कमी नहीं रहती। एक छोटा सा मंत्र है, अजमाया हुआ मंत्र है, मेरी 80 साल की एज है और पक्का मंत्र है। क्या मंत्र है
कि जितने अपने घर के बड़े आदमी हैं, जितने बड़े बुजुर्ग हैं, जो माता पिता हैं, दादा दादी हैं, जितना उनका सम्मान करेंगे, जितना उनका मान मदर करेंगे, जितना उनके सामने झुकेंगे, बस फिर भगवान की अपार कृपा की वर्षा होती रहेगी, होती रही है, होती रहेगी, उसमें कभी कभी नहीं आ सकती। जितना हम अपने माँ बाप का एक तो फर्ज है और जितना उनकी सेवा, जिनके उनकी जजमेंट, बस इससे ऊपर कुछ नहीं। जितना हम अपने माँ बाप को, अपने बुजुर्गों को, जितना भी हम्बल हो गए, उनको उनके सामने पर झुकेंगे, उनकी सेवा करेंगे, तो फिर धन धान्य की, पुत्र पौत्र की कोई कमी नहीं रहेगी, मंगल ही मंगल होगा। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ मैं सारी साध संगत को हार्दिक शुभकामनाएं कहता हूँ, हार्दिक मंगल कामनाएं कहता हूँ, और महाराज जी संत जी के चरणों में, जिनके प्रताप से यहाँ खड़े हैं, उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए अपार हर्ष का अनुभव कर रहा हूँ। धन्यवाद। समागम विच महंत अमरदास जी कोट फत्ता, महंत करण दास जी खिड़कियां, महंत शिवानंद जी क्याल, महंत वकील दास जी मिठड़ी, महंत अमृत मुनि जी मानसा, महंत बलदेव दास जी सुखना अबलू, महंत भोमानंद जी रापुर, महंत मुरारी दास जी सद्दोवाल, स्वामी किशन गिर जी नमोल, महंत रामदास जी सनाम, महंत देवादास जी मंडाला, महंत बालक राम जी बीरोके, महंत बसंत दास जी अकलिया, महंत पंचम दास जी जेठोके, महंत लखविंदर दास जी खीवा अते साबका एमपी बीबी परमजीत कौर गुलशन भी हाजिर सन। भोग पैन उपरंत सरबत दे भले लई अरदास बेनती भी कीतियां गईयां अते हुक्मनामे भी ले गए। तेरे सेवक का पाव किछ नाही, तेरे सेवक का पाव किछ नाही, जम नहीं आवे नेरे, जम नहीं आवे नेरे, जम नहीं आवे नेरे, जम नहीं आवे नेरे, जम नहीं सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसा पावे, सो दुख कैसा पावे, जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसा पावे, सो दुख कैसा। प्रसिद्ध कविशर बिंदर शर्मा दे जत्थे ने लंबा समा संता दी महिमा दा गुणगान कीता। आदमै नमस्कार मेरी ओदे रूप नू, जति सती हटी तपी संत स्वरूप नू, जति सती हटी तपी। ओ नाथ नौ चरासी सिद्ध, नाथ नौ चरासी सिद्ध, ओट पंजे पीरा दी दुनिया तो न्यारी हुंदी, मंजल फकीरा दे दुनिया तो न्यारी हुंदी। पूरन गोराने ताला, पूरन गोराने ताला, खोलिया ज्ञान दा जरे जरे बिच रूप जिस भगवान दा, जरे जरे बिच रूप। ओ जान गे रमंज वजे, जान गे रमंज वजे, बेरहों दे तीरा दी दुनिया तो न्यारी हुंदी, मंजल फकीरां दे दुनिया तो न्यारी हुंदे। तेरे नाल लाके सारे जग नालो तोड़ दे, बस इक रहंदे ने दिंदार तेरा लोड़ दे, बस इक रहंदे ने। ओ करके सबर भोग, करके सबर भोग, लेंदे तकदीरां दी दुनिया तो न्यारी हुंदी,
ਮੰਜ਼ਲ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਨਿਆਰੀ ਹੁੰਦੇ। ਬੀਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਭੰਡਾਰਾ ਸਾਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਕੇ ਛਕਿਆ ਅਤੇ ਆਏ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮਹੰਤ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਗਤ ਪੂਜਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜੋ ਤੇਰੇ ਰੰਗ ਰਾਤ ਸੁਆਮੀ ਜੋ ਤੇਰੇ ਰੰਗ ਰਾਤ ਸੁਆਮੀ ਤਿਨਕਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁੱਖ ਨਾਸਾ ਤਿਨਕਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੇਰੀ ਬਖਸ਼ ਨਾ ਮੇਟ ਕੋਈ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਦਿਲਾਸਾ 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 ਜਿਸਕੇ ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਤੂੰ ਸੁਆਮੀ ਸੋ ਦੁੱਖ ਕੈਸਾ ਸਾਡੇ ਰਿਪੋਰਟਰ ਗੌਰਵ ਗਰਗ ਸ਼ੇਰਪੁਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਵਰਤਮਾਨ ਗੱਦੀ ਨਿਸ਼ੀਨ ਮਹੰਤ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਜੀ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ। ਅੱਜ 27 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦਿਨ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਬਹਾਲ ਦਾਸ ਜੀਆਂ ਦੀ 79ਵੀਂ ਸਾਲਾਨਾ ਵਰਛੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 27 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠਾਂ ਜੀ ਦੇ ਲੜੀ ਦੇ ਭੋਗ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਜੀਆਂ ਦੀ ਬਰਛੀ 'ਤੇ ਬਾਬਾ ਬਹਾਲ ਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਮਹਾਨ ਸੰਤ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਨਾਮਦਾਨ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਅਤੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਅੰਨਦਾਨ ਦਾ ਖੇਤਰ ਲਾਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੌ ਲਾਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਂ ਜੱਸੀ ਪੌ ਵਾਲੀ ਪੈ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੋਹਾਂ ਮੇ ਨਾਹੀ ਜਨ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਆਏ ਜੀ ਦਾਨ ਦੇ ਭਗਤੀ ਲੈਣ ਹਰਸੋ ਲੈਣ ਮਿਲਾਏ ਬਾਬਾ ਬਹਾਲ ਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਭਜਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਅਜਿਹੇ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ 'ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸਮੂਹ ਆਏ ਹੋਏ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਮੂਹ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੋਲ ਬਾਬਾ ਬਹਾਲ ਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਜੈ, ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦਰ ਭਗਵਾਨ ਕੀ ਜੈ। ਬੋਲ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਭਗਵਾਨ ਕੀ ਜੈ, ਬਾਬਾ ਬਹਾਲ ਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਜੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਬਹਾਲ ਦਾਸ ਜੀ ਦੀ 69ਵੀਂ ਬਰਛੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਬਹਾਲ ਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਭੇਂਟ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਜੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਾਕੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ
ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ, ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਬਖਸ਼ੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ੇ। ਬੋਲ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਭਗਵਾਨ ਕੀ ਜੈ, ਬਾਬਾ ਬਹਾਲਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਜੈ। ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਗੌਰਵ ਗਰਗ ਸ਼ੇਰਪੁਰ, ਮੋਬਾਈਲ 94170-36301 ਅਤੇ 98141-36301, 94170-36301 ਅਤੇ 98141-36301।